हेलो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये मेरे दोस्त रविंदर के बारे में है। ये उसकी खुद की आप भी थी कहानी है दोस्तों। तो आइए चलो बिना किसी देरी के करते हैं कहानी स्टार्ट। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि रविंदर नोएडा में रहता है। दोस्तों वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहता है। उसके साथ में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन रहती है। दोस्तों रविंदर कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, मगर उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे वो मानने लगा। दोस्तों एक बार की बात है कि रात के करीबन 10 बज गए थे और रविंदर ने घर आ रहा था ड्यूटी करके। दोस्तों रविंदर जो अक्सर था वो साइकिल से ही आता था, साइकिल ही क्योंकि उसके पास ही थी जिससे वो ड्यूटी वगैरह अपनी जाया करता था। एक सिक्योरिटी की कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि रात के करीबन 10 बजे वो ड्यूटी से आ रहा था। रात को अंधेरा हो गया था और हल्की हल्की बारिश के साथ हवाएं चल रही थी। वो रोड पर अकेला चल रहा था। जिस रास्ते से वो आता था वो रास्ता बिल्कुल वीरान होया करता था। रात को 7 बजे के बाद उधर कोई नहीं आता था क्योंकि पास में एक नहर हुआ करती थी। तो दोस्तों जैसे ही वो नहर के पास से गुजरा, नहर के पुल से गुजरा, तो वहाँ पर उसे एक चादर ओढ़ कर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उस आदमी ने रविंदर को हाथ दिया और रविंदर से पूछा, उस आदमी की आवाज़ जो थी बहुत भारी थी। रविंदर उसकी शक्ल नहीं देख पाया। रविंदर ने कहा, नहीं सर मेरे पास माचिस नहीं है, और रविंदर आगे चल दिया। रविंदर आगे जाकर रविंदर को याद आता है कि ये आदमी इतनी बारिश में जहाँ कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना कोई कुछ है, ये यहाँ कर क्या रहा है। उसने जो साइकिल रोक के अपने पीछे देखा तो उसे कोई नहीं खड़ा हुआ दिखा। तो मैं आपको बता दूँ रविंदर भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, तो उसने ये चीज़ नॉर्मली ली और रविंदर अपने घर आ गया। दोस्तों घर आने के बाद रविंदर ने खाना खाया। रविंदर गीला हो चुका था बारिश में, तो रविंदर ने खाना वगैरह खाया, कपड़े उपड़े चेंज किए अपने कपड़े वगैरह, खाना खाया और अपने लेट गया। सुबह होने के बाद जैसे ही रविंदर उठा तो रविंदर के फ़ोन बजता है और फ़ोन उस ड्यूटी से आता है कि रविंदर आज तुमको दोपहर 12 बजे से रात को 2 बजे तक की ड्यूटी करनी है। तो दोस्तों रविंदर तो डरता नहीं था, किसी भी भूत प्रेत को वो मानता नहीं था, तो उसने कहा ठीक है। उसने अपनी मम्मी पापा और अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे आज मेरी ड्यूटी दोपहर 12 बजे से रात को 2 बजे तक की है, मतलब कि नाइट शिफ्ट है। रविंदर अक्सर ये 12 से 2 की ड्यूटी करता रहता था। तो जैसे ही 12 बजते हैं रविंदर साइकिल लेकर अपने घर से निकल गया ड्यूटी के लिए। ड्यूटी ठीक कर गए रविंदर जैसे ही रात को 2 बजे, सही 2 बजे अपने घर के लिए निकलता है, तो रविंदर उसी पुल पर पहुंचता है रात को 2 बजे। दोस्तों जहां 10 बजे कोई नहीं मिलता वहां 2 बजे कोई कैसे मिल सकता है। रविंदर को वो बंदा 2 बजे मिलता है और रविंदर से पूछता है भारी आवाज़, तो रविंदर आज बोलता है हाँ माचिस है। तो रविंदर अपनी जेब से माचिस निकालता है। माचिस निकाल कर रविंदर जैसे ही एक तिल्ली जलाकर उसका चेहरा देखता है तो उसकी आंखें, उस आदमी की आंखें बिल्कुल काली थी। जैसे ही उसकी आंखें देखता है रविंदर की हालत पतली हो जाती है, उसको डर सा लगने लगता है और रविंदर माचिस की तिल्ली को फूंक मारकर बुझा देता है। और बिना कुछ कहे रविंदर साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर रविंदर की साइकिल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। रविंदर पीछे देखता है तो वो आदमी ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, मगर रविंदर की साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। ना रविंदर की साइकिल को उस आदमी ने पकड़ा है, ना कुछ किया है, रविंदर की साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों रविंदर उतरता है अपनी साइकिल से और रविंदर भागने लगता है। जब रविंदर भागता है तो उसको आगे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। रविंदर अपनी साइकिल छोड़कर वहाँ से भाग आया। आगे रविंदर से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा इतनी रात गए, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो बोलता है,
कि अम्मा ऐसे ऐसे मैं आपको ड्यूटी करके आ रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा तो फिर भाग क्यों रहे हो। रविंदर बोलता है अम्मा ऐसे महापुल के पास मुझे ऐसे ऐसे एक आदमी मिला है और दो दिन से मिल रहा है मुझे, कल वो 10 बजे मिला था और आज इस टाइम पर मिला। तो वो अम्मा बोलती है बेटा आज के बाद इस रास्ते को मत आना, क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लाश बहती आती है, तो कुछ भी गलत हो सकता है बेटा, इस रास्ते से आज के बाद रात में नहीं आना। और ये कह के वो बूढ़ी अम्मा रविंदर के आंखों के सामने से गायब हो जाती है। और जैसे ही रविंदर आगे चलता है तो देखते हैं उसके 4 कदम आगे रविंदर की साइकिल खड़ी है। रविंदर अपनी साइकिल उठाता है और अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों उसके बाद रविंदर कभी भी उस रास्ते से रात को नहीं वापस आया, क्योंकि वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो कोई अच्छी आत्मा थी और जो आदमी उसको मिला वो कोई शैतान। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा आज भी रविंदर करता है कि उसने उस वक्त उसको बचा लिया, वरना गलत होने के लिए बहुत हो सकता था। और आज भी रविंदर इन चीज़ों को मानता है कि हाँ शैतान होते हैं, भूत प्रेत आत्माएँ होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी कमी नज़र आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आपको हर दूसरे दिन नई नई रियल स्टोरी बता कर आऊँगा आपके अपने चैनल खसा स्टोरी पर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके थैंक यू।